अनअकैडमी ला रहा है ऑल इंडिया रैंकर समिट फॉर सीएसआईआर यूसी नेट, जो कि होगा आपका मार्च 13th और 14th 2021 को। दो इंसाइटफुल डेज रहेंगे, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। द वन हु हैव क्रैक्ड इट विल टेल यू हाउ जर्नी टू जेआरएफ, प्रिपरेशन स्टडी, पीएचडी गाइडेंस, कैरियर आफ्टर सीएसआईआर यूसी नेट एंड मोटिवेशनल टॉक, अ लिस्ट ऑफ curated sessions to help you navigate the complexities of the exam with ease. From tips and tricks to preparation strategies, CSIR UCNET toppers chronicling their journeys. The event is especially designed to help you in your journey of cracking CSIR UCNET. So you can register now by using the link given in the description. और एक चीज क्या है यहाँ पे, अनअकैडमी एक्सेलरेट लेके आ रहा है, जहां पे आपके पास चांसेस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं सीएसआईआर यूसी नेट सब्सक्रिप्शन पे। मार्च 14 को संडे 12 से बजे से लेके 1 बजे तक आपका ये वो होगा, टेस्ट होगा, इनरोल आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको फिजिकल साइंसेस के लिए है ये 30 questions, वहां पे आपको मिलेंगे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, रैंक 1-2 ले आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है, 3-10 75% स्कॉलरशिप, 11-35 50% स्कॉलरशिप, और 36-150 के बीच में आता है तो 25% का आपका स्कॉलरशिप मिलता है। ये है इसके आपके टर्म्स और कंडीशंस, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, केमिकल साइंसेस के लिए भी सेम चीज है, आपके पास मौका है कि आप इसके लिए भी अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके पास मौका है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सके। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, रैंक 1-2 100%, 3-10 75%, 11-35 50% और 36-150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, तो आपके पास चांस है कि आप जो भी फाइनल प्राइजिंग होगी उसको आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10। ओके, तो सारे चीज के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के सारे चीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड botany10 यूज करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आते हैं हम माइकोलॉजी, फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे उसके पार्ट टू पे। फर्स्ट में हमने 15 questions सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। जब भी आप माइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो डिजीजेस और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपसे पक्का पूछा जाता है, या उनके सिम्टम जो है आपके आपसे पक्का पूछा जाता है। तो इसका टेबल मैंने इस वीडियो में दिया है आपको, वो बहुत फायदा देने वाला है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स आप जानते हैं किसके द्वारा होता है, एल्विगो द्वारा होता है, एल्विगो कैंडिडा। ठीक, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, बीएचयू में दोबारा पूछा गया है, व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, वही है एल्विगो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू, ये डिजीज किससे होता है, निमेटोड, एल्विगो कैंडिडा, फ्यूजेरियम ऑक्सिक, स्पोरम और पाइथियम। तो हमेशा आप याद रखिएगा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग है ये पाइथियम डिबारियेनम से होता है। फिर से ये क्वेश्चन बीएचयू में रिपीट हुआ है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय, वही सेम ही इसका आंसर होगा क्या, पाइथियम। आपसे पूछा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, तो ये कैसे होता है लेट ब्लाइट, एक अर्ली ब्लाइट होता है, एक लेट ब्लाइट होता है। अर्ली ब्लाइट किससे होता है, एल्बियो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। और इसे सबसे अच्छा यही तरीका है, जो भी ऑप्शन में जितने भी रहे आपका ऑप्शन में जो भी मेंबर रहे, सबसे क्या डिजीज होता है ये आप नोट करके पहले से रख लीजिए। ठीक, तो आपको ऐसे फिर दिक्कत नहीं होगी, एल्बियो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, फ्यूजेरियम है, ऐसे फ्यूजेरियम वो कॉज करता है क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा डिजीज का नाम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है आपका, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अल्टरनारिया सोलनाई है, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, एक लेट होता है अर्ली। ठीक, ए से आप याद रखिएगा अल्टरनारिया अर्ली, और ए के बाद पी आता है तो आप याद रखिएगा लेट ब्लाइट इससे होता है। और ये रहा आपका टेबल, ठीक है, ये टेबल में सारा कुछ दिया है आपका कि मैस्टिगो माइकोटीना के क्या क्या मेंबर है, मैस्टिगो माइकोटीना में सिंकाइट्रम, इंडोबायोटिकम, पर्नोस्पोरा पिसाई, एल्बिगो कैंडिडा, पाइथियम, फाइटोप्थोरा, स्क्लेरोस्पोरा,
इनसे क्या डिजीज होता है, जैसे इससे होता है ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, इससे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, इससे डैम्पिंग ऑफ सीडनिंग, इससे रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इससे ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। जाइगोमाइकोटिनम में आप जाएंगे तो एक ही मेंबर है आपका राइजोपस टर्निफर, ये सॉफ्ट ड्रॉप डिजीज ऑफ स्वीट पोटैटो कॉज करता है। इसको माइकोटिना के बहुत सारे मेंबर है जिनसे बहुत सारे डिजीज होती है, जैसे क्लेविसेप्स है तो ये एरगट डिजीज कॉज करता है, इरिसाइफी है, इरिसाइफी के मेंबर क्या करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। आप पॉलीगोनाई है तो पी का काज करें, ग्रामनीस है तो वीट का, वेंटूरिया इन एक्विलिस है ये भी एप्पल उसकी काज करता है, इसको माइसीट्स का मेंबर है। प्रोटोमाइसिस है, स्टेमगाल ऑफ कोरिएंडर बहुत पॉपुलर है। पैरिक्लेरिया ओरिजी है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस कॉज करता है। ऐसे ही ब्लास्ट बेसिडियो माइकोटिना के बहुत सारे मेंबर हैं, यूस्टिलागो, लू स्मट कवर स्मट, जितने भी हैं ये स्मट कॉज करने वाले हैं यूस्टिलागो। ठीक, जैसे ट्रिटिसाई है तो स्मट ऑफ वीट, न्यूडा है तो बार्ले का, ये सारे लूज 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 कवर्ड 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 ये याद रख लिया। प्रेक्सिमिया ग्रैमिनोसाई, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यूरोसेसिट्रिसाई, फ्लैग स्मट ऑफ वीट, लीड रस्ट ऑफ कॉफी किससे होता है हेमिलिया रास्टेट्रिक्स से। यूटिलो माइकोटिना कौन कौन से मेंबर है ये देखिए मैंने आपसे बोला था, अल्टरनारिया सोलनिस से होता है क्या, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हेलमेथियोस्पोरम ओरिजिन से, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, फ्यूजेरियम से, या विल्ट होता है ये विल्टिंग कॉज करता है जहाँ पे जाइलम चोक कर देता है तो विल्ट ऑफ अरहर, सर्कोस्पोरा से, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, और क्लेटोट्राइकम फाल्केटम से क्या होता है रेड रूट ऑफ सुगर केन। तो ये जो है जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसका तो वहां पर रहेगा, बाकी आप इसका भी क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ पे बेसिडियो और टिट्यूरो माइकोटिना यहाँ पे एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखते हैं और बाकी बचे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान से क्या होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी रिपीटेड है, देखिए जितने भी डबल क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका मतलब ये रिपीटेड है। टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन विच फंगस फाइलम, इसको बेसिडियो, मिक्सोमाइकोटा, ओ माइकोटा, तो आपको ये जानना होगा कि पहली बात तो फ्लैजेला किसमें मिलता है मैस्टिगोमाइकोटिना में, और मैस्टिगोमाइकोटिना का यहाँ पे क्या है ऊ माइकोटा या ओ माइसीट्स अगर आप उस क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे तो। दो टाइप के फ्लैजेला आपको कहाँ पे मिलेंगे ऊ माइकोटा में। ठीक, डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, देखिए पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जो होता है किससे होता है ये पेर्नोस्पोरा से होता है। ठीक, पेर्नोस्पोरा डाउनी मिल्ड्यू कॉज होता है करता है। ऐसे ही इसमें क्या है पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में। पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है मैंने आपको अभी बताया था, एरिसाइफी स्पीसीज से, जो ये कहा के हैं एस्कोमाइसीट्स के मेंबर हैं, एरिसाइफेज के हैं। पर्नोस्पोरा कहाँ का मेंबर है, मैस्टिगोमाइकोटिना ओमाइसीट्स का मेंबर है, तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, तो राइजोफस टर्निफर है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ये इसका पिक्चर देखिए ग्रो कर रहा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ राइजोफस। अभी आपने देखा राइजोफस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है तो आपको बताना था कि इसका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। गलती से यहाँ पे उसमें राइजोफस ही लिख गया है, पर इसका क्या है सैप्रोफाइट नेचर का है। राइजोफस क्योंकि ब्रेड पे ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब फूड ले रहा है वो दूसरे से, तो सैप्रोफिटिक है ना, तो लिविंग पे नहीं है, लिविंग पे होता तो पैरासिटिक होता, पर यहाँ पे ब्रेड पे कॉमनली ग्रो करता है तो क्या हुआ आपका सैप्रोफिटिक। सॉफ्ट ड्रॉप डिजीज ऑफ स्वीट पोटैटो अभी मैंने बताया इसी से होता है राइजोफस टर्निफर से। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप किससे होता है, तो मैंने अभी आपको बताया डाउनी मिल्ड्यू कहाँ से ओमाइसीट्स के मेंबर से, मैस्टिगोमाइकोटिना में आते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू इसको माइकोटिना। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ब्रेड, ब्रेड बनाने में किसका यूज होता है, तो आपने सुना होगा नाम बेकर्स ईस्ट, ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस, और सैक्रोमाइसिस का कौन सा स्पीसीज सेरेविसी, इसका रोल होता है जो ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, द फंगस विदाउट माइसीलियम, कौन सा फंगस कह रहा है इसमें बिना माइसीलियम के होता है। पक्सीनिया में आपने देखा होगा वहां पे माइसीलियम होता है, फाइटोप्थोरा में भी होता है, राइजोफस में होता है, और जो सैक्रोमाइसीज है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी स्यूडो फिलामेंट ये बनाते हैं बडिंग के कारण, क्योंकि इसमें बड होता रहता है, तो इसीलिए तो माइसीलियम कहाँ नहीं होगा जो यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर क्या है आपका सैक्रोमाइसीज, जो कि किसका मेंबर है एस्कोमाइकोटिना का। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज पूछा है आपसे, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होता है ईस्ट में वो कैसा होता है, रेली एनरोबिक, अनरोबिक, प्योरली एरोबिक। तो आपने देखा होगा कभी कभी आप ईस्ट के बारे में कहीं पढ़ा होगा ग्लूकोज का अपटेक वगैरह कैसे करते हैं या ग्लूकोज का कब यूज करते हैं,
कब ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, कब उसी से अल्कोहल बनाते हैं। तो इसका मतलब जो है वो अल्कोहल बनाता है ईस्ट, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या कॉज काम करता है, फर्मेंटेशन का। तो वहां पे एक्चुअली ग्लूकोज इफेक्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे दोनों होता है। इसकी चीज एरोबिक रहता है जब एयर इसको नहीं मिलता ऑक्सीजन, तो ये एनरोबिक भी हो जाता है। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, खत्म हुआ। इसमें आपके 15 क्वेश्चन थे, ज्यादा मोस्टली रिलेटेड किससे थे, ये डिजीज से। डिजीज का टेबल मैंने दे दिया, वो आप याद कर लीजिएगा। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।